भाजपा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खानापूर्ति में लगी हुई है। उसे मध्य प्रदेश के लिए 18 प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। बड़े नेता चुनाव मैदान से भाग चुके हैं। किसी इसी की बैठकें तो होती रहती हैं। अभी तक कांग्रेस को 18 प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता तो मना ही कर चुके हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस अब केवल खानापूर्ति के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस में जनाधार वाले नेता बचे ही नहीं हैं। अब जनाधार वाले विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। मिशन 29 में छिंदवाड़ा जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। कमलनाथ का किला इस बार गिरने जा रहा है। सीईसी की बैठकें तो कितनी भी हो सकती हैं, पर उन 18 उचित प्रत्याशियों के नाम तो मिले। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने अपने नाम वापस खींच चुके हैं और जनाधार वाले नाम अब बचे नहीं है। तो अब कांग्रेस धनाधार वाले नाम ढूंढ रही है ताकि कम से कम खाली स्थान भर पाए और चुनाव में अपनी छोटी मोटी इज्जत जो बची है वो बचा पाए। कांग्रेस के पास उस चुनाव को प्रबंधन करने के लिए भी अब प्रत्याशी नहीं है। तो ऐसे में धन को आधार बनाते हुए जो वर्तमान विधायक है उन्हीं पर दबाव बनाया जा रहा है। जनाधार तो बचा है ही नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।